मेरे भाई के बाद ही पहला है जिसने मेरे एट टेल्स फॉर्म को डॉज किया है। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आज मैं सास्के वर्सेस किलर विद थग लाइफ एंड फनी मोमेंट्स के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओह मेरी आंखें, रोशनी कितनी ज्यादा है। सुबह से थी ट्रेनिंग, बली मुझे रैप है पसंद, करना था तगड़ा ब्रंच। क्या के जिन चोरी के होस्ट हो तुम? मुझे लिल सर बुला सकते हो। ओके okay. मैं आया हूँ। तो तुम्हें कहना चाहिए। रुके, मुझे आपको पकड़ना है सर, प्लीज। पता है ना, हम जिनचुरिकी को खत्म नहीं कर सकते। ये क्या हो रहा है? पीछे रहो, पास मत आना, वरना पड़ेगा तुम्हें पछताना, बेवकूफ। नहीं है कोई दिक्कत, ना ही है किसी में हिम्मत, आके मुझे जो ले जाए और बना ले अपनी किस्मत। गजब बेइज्जती है। कितनी बड़ी बात बन जाएगा तुम्हारा कचूमर, डरना मत मेरे। खत्म। पहले दाई बोला मैं हूँ ताकत का एक गोला, एट टेल्स ना मुझे कहना मैं हूँ रैपिंग किलर बी। ये आंखें है कौन? पूरा सर फेरा लगता है, लेकिन फिर भी जूगो को हरा दिया। पहले उसने मेरे एग्जीक्यूशनर्स ब्लेड को ब्लॉक किया। इसे मैं संभालता हूँ। तुम सब आखिर हो कौन? बेअकल, ना समझ? तुम अपना मुंह बंद करोगे या नहीं? मैं मुझे देखना है कांच की अपना वादा निभाता है या नहीं, क्या वो सच में हमें टेल पीस दे पाएगा। ठीक है, चलो इसे जल्दी से पकड़ लेते हैं और इसकी बकवास से छुटकारा पाते हैं। इरादा तो वही है। देखो देखो, मुझसे कहीं हो ना जाए प्यार, दिखता हूँ मैं बढ़िया और रैप भी करता हूँ यार। तुमसे बदसूरत ही नहीं, तुम्हारे पास जीरो रैपिंग चैलेंज है। ये कहकर तोड़ो ना मेरा दिल। चुप हो जाओ। अब आएगा असली मजा, क्योंकि खेलूंगा तुमसे और दूंगा सजा। जल्दी से देख लो तुम मेरा ये पोज, वरना कहीं हो ना जाओ बेहोश। ये कर क्या रहा है? ये कैसा पोज है? One hour later. वाह क्या सीन है। तो ये चक्र भी इस्तेमाल कर सकता है, और उसके बाद दूंगा तुम्हें मैं स्टिंग ऑफ किलर भी। क्यों हिला डाला ना? ये लाइटनिंग स्टाइल भी इस्तेमाल कर रहा है, जो मेरी कमजोरी है। तो रुको जरा। लो जल्दी जल्दी से मुझे काटो, जल्दी करो। ओह
उसने अपनी बॉडी के जरिए लाइटनिंग स्टाइल को चैनलाइज किया और मेरे हमले को रोक दिया। इसके लिए शुक्रिया कारिन। कोई बात नहीं सास्के, हम तीनों मिलकर उससे निपट लेंगे। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, इन्हें रोकना होगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहाँ गया? यही तो था। वो एक सेंसरी टाइप ही है। हाँ मेरे भाई के बाद ये पहला है जिसने मेरे एट टेल्स फॉर्म को डॉज किया है। जाओ सवाल तुम्हें अभी देता हूं कुचल। उसके पास डेफिनेटली स्पीड और पावर है लेकिन वो सिर्फ सीधे ही मूव करता है। काय फिक्र मत करो, बहुत तेज हो रहा है। एक गेंजुत्सु की चक्र से निकलने के लिए पार्टनर की जरूरत होती है जो आपके चक्र को झिंझोड़ कर आपको उससे निकाल सके। मैं तुम्हारे भ्रम को तोड़ूंगा और उसके बाद तुम सबको झिंझोड़ूंगा। मेरा असली फॉर्म है जो है तेज का भर बहुत जल्द तुमको आएगा नजर। अबे साले तेजी बातें जो ब्रिज 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 तेजी बातें जो ब्रिज 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 ये तेल सबके उड़ा देगा और उस देखते ही हो जाओगे बेहोश। मेरा सामना करेगा कौन? मेरे पास है ये शानदार लॉन्ग हॉर्न। चीटिंग करता है तू। चलो चले सासे। वो सच में ठीक नहीं लग रहा। ये क्या था? वो इलाका तो लॉर्ड किलर बी का है। क्या बात है सेंसे? किलर बी है और वो एक टेस्ट में क्यों बदल गया? मैंने सुना था थारो कागे ने इन्हें ये फॉर्म लेने से मना किया सेंसे। था। चलो भाई हमारे रास हमें भी यहाँ से निकलना होगा इसके पहले कि हम भी उसकी लपटों में आ जाए। रुको जुको जुको कारिन को ले जाओ जल्दी। वो ब्लैक फ्लेम्स तो बुझ गई। क्या ये मांगे क्यों शरिंगन की एक और पावर है? हम उसे बिना खत्म किए उसे हराने में कामयाब हो गए तो चलो चलकर उसे पकड़े। रुको क्या वो क्या हुआ? एक उचीहा क्रेस्ट। उचीहा? जब वो सुनेंगे उनके छोटे भाई के साथ क्या हुआ पता है ना वो कैसे हैं? उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि आज इस किस्म की लड़ाई का सामना करना पड़ेगा लेकिन सब सही हुआ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।